हाई एल बी ओ के इस पर्टिकुलर सेशन में हम सीखेंगे कि, कि किसी भी पर्टिकुलर डील का प्राइमरी ड्यूटेलिजेंस कैसे किया जाता है इन कंसेप्ट को आप यूज़ कर सकते हो खुद की इन्वेस्टिंग के एनालिसिस करते दौरान अपनी कंपनीज़ को एनालाइज करने के लिए भी अगर किसी कंपनी को आपको क्विकली एनालाइज करना है तो आप ये मिनिमम कुछ पॉइंट्स है जो उस पर अप्लाई करो एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट वेदर द इज डूइंग गुड और नॉट ठीक है दिस इज़ जस्ट अ स्निक पिक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जस्ट आज आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे प्रैक्टिकली इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपनी का ठीक है और कैसे असेसमेंट करा जाना चाहिए एक आपको दिस विल बी योर अ मिनी फंडामेंटल एनालिसिस काइंड ऑफ अ कोर्स अ सेशन राइट तो इसको प्लीज़ एंड तक देखिएगा एंड इसमें आपको एक स्नीक पीक मिलेगा कि कितना डेप्थ में हम जाते हैं वैन वी गो इन टू आर एक रिसर्च प्रोग्राम राइट तो फटाफट बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं एंडलेट सी तो जब भी आपकी बात बन जाएगी बात बन जाएगी मतलब अब बात आगे बढ़ रही है रिश्ते में बात आगे बढ़ रही है डील में बात आगे बढ़ रही है ठीक है और अब बात उस स्टेज तक आ गई है कि अब बैकग्राउंड चेक करा जाए ठीक है कि जिसको हम घर ला रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगेन नॉट अ फेमिनिस्ट कैंड ऑफ अ कमेंट बट स्टिल यू अंडरस्टैंड दट रियली वेल नाउ प्लीज अंडरस्टैंड नंबर वन मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर लास्ट ट्वेल्व मंथ फॉर दी एल टी एम लास्ट ट्वेल्व मंथ्स सबसे पहले ये वाली चीज ठीक है ये ये हमें क्या बताएगा कि रिसेंटली बिजनेस कैसा काम कर रहा है ठीक है वी विल गॉट टू नो अबाउट इट थ्रू दिस ठीक है यू विल गॉट टू नो अबाउट दिस थ्रू थ्रू दिस अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि पिछले पाँच साल में जितने भी ऑडिटर्स हैं वेदर इट इज़ ए स्टैचूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर और एनी अदर काइंड ऑफ ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर लेबर ऑडिटर एनी अदर इन्वायरमेंटल ऑडिटर ठीक है आई नीड ऑल द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ लास्ट फाइव ईयर्स आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि मैं इस समय पिछले पाँच साल के एनुअल स्टेटमेंट्स नहीं मांग रहा हूँ आपसे मेरे को अभी हाल फिलहाल मिलनी चाहिए मैं तो दस साल की भी मांगूंगा यार मैं खरीद रहा हूँ आपकी कंपनी समझ रहे हो उसके पहले मेरा हक बनता है कि मैं अच्छे से देखूं वेदर योर कंपनी इज़ वर्थ इनफ टू पुट माई मनी इन टू इट और नॉट तो डेफिनेटली आई विल वॉन्ट एंड यू हैव टू गिव इट टू मी देर इज नो नो अबाउट इट राइट बट अभी आप पिछले पाँच साल की ऑडिट रिपोर्ट्स दो मेरे को वो पाँच साल के ऑडिट रिपोर्ट्स से मैं ओपिनियंस देखूंगा कि क्या ट्रेंड रहा है क्या सब कुछ सही रहा है या कभी कोई ऑब्जर्वेशन हाईलाइट करा है किसी ऑडिटर ने पिछले पाँच साल में ठीक है आई वॉन्ट मिनिमम थ्री ईयर्स ऑफ प्रोजेक्शंस of the business from the company. Point number three over here. Three years of the projections. अगर आप ये बोलते हो as a business के मेरे पास तो visibility नहीं है कि अगले तीन साल में मेरा धंधा कहाँ जाएगा then you are not doing a business. You are running a circus, right? एक business के पास एक established business के पास इस चीज़ का हमेशा visibility होना चाहिए कि next three years में हम लोग क्या target है हमारा टॉप लाइन कितना ग्रो करेगा हमारा बॉटम लाइन कितना ग्रो करेगा हमारे क्या एक्सपेंशन प्लान हैं फ्यूचर में ठीक है अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही हो जाएंगे लेकिन एक्सपेक्टेड तो हो पता तो चले आपको कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं और मैं पिछले तीन साल के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगूंगा समझना ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है ये मैंने कोई भी एनालिसिस करना शुरू नहीं किया कि ये तो मेरे को मिनिमम चाहिए ही चाहिए अब देखना अब मैं एनालिसिस कैसे करता हूं ना मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूं इससे बहुत डीप में जाके एनालिसिस होता है यू नीड टू अंडरस्टैंड अगर एक्विटी रिसर्च कोहट जो इस बार से हंड्रेड आवर्स का है रादर देन सेवेंटी आवर्स इट विल बी हंड्रेड आवर कोहट जो सेप्टेंबर में आ रहा है तो आप मान के चलो उसमें थर्टी टू थर्टी फाइव फोर्टी आवर्स विल बी ओनली डिस्कसिंग हाउ टू कंडक्ट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस मैं इतना डेप्थ में जाता हूँ सो इवन इफ फील किया है मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है देसो मतलब कुछ अकाउंटिंग कुछ आती नहीं आई एम अकाउंटिंग स्टूडेंट देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम समझ में आ रहा है चलो. <coughs> सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंसिस मेरे को क्या चाहिए दो चीजें चाहिए डिटेल्स ऑफ एनी मेजर कैपिक्स मेड फॉर ईच ईयर विद इन लास्ट फाइव ईयर्स मतलब पिछले पांच सालों में आपने जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है उनकी साल दर साल की डिटेल दे दो ये इंफॉर्मेशन मुझे क्यों चाहिए होती है वाई आई नीड सच इन्फॉर्मेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वी बी एल खोलता हूँ वरुण बेवरेजेस लिमिटेड खोलता हूँ आपके लिए इट्स नॉट कि इट्स अ फेवरेट कंपनी बट इट इज अ कंपनी जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है ठीक है एंड आई कम ओवर ह्यो आई कम ओवर हियर यू विल सी दैट कंपनी ने 2019 में 65 64000 6400 करोड़ का टोटल फिक्स्ड एसेट्स था जिसको बढ़ा के 8500 करोड़ करा है मतलब कंपनी ने एडिशनल 2000 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज करें पिछले 4 सालों में अपनी कैपिटल में देखो आप ठीक है और साथ में पेंडिंग जो सी डब्ल्यू आई पी होता है दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी इतनी कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी होना बाकी है चल रहा है इन प्रोसेस है। मतलब जब तक फैक्ट्री बनकर रेडी नहीं हो जाती वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगी बिकॉज द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस राइट द मोमेंट इट इज ऑपरेशनल ठीक है और इट इज रेडी फॉर द ऑपरेशन नॉट ऑपरेशनल इट इज रॉन्ग वर्ड समझिए इट शुड बी रेडी फॉर द ऑपरेशन कारण क्या है फैक्ट्री बन के तैयार है बट आप यूज नहीं कर रहे हो सिर्फ इस कारण से वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में थोड़ा ना रहेगा आपने अगर फैक्ट्री का इनोग्रेशन छह महीने डिले कर दिया तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि फैक्ट्री स्टिल इज वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री इज रेडी टू गो द मोमेंट इट इज रेडी फॉर द ऑपरेशन इट विल गो इन एसेट्स तो ये आपको ये दर्शाता है कि कंपनी के पास इस समय एटी फाइव थाउजेंड एंड सेवेंटी सिक्स एटी फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स करोर के फिक्सड एसेट्स हैं ऑलरेडी जिनसे कंपनी बिजनेस कर रही है एंड फाइव थर्टी वन करोड़ के 531 करोड़ के कैपिटल असेट्स और क्रिएट हो रहे हैं सर कैपिटल असेट क्रिएट होने से होता क्या है देखो क्या होता है कैपिटल असेट क्रिएट होने से सेल्स में ग्रोथ आती है सी दिस क्या सेल्स डबल हो गई क्या देखो आप कितना केपेक्स डाला गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बड़ा 6400 से 8500 दो हजार दो हजार मतलब सिक्सटी फोर हंड्रेड पर दो हज़ार यानी ऑलमोस्ट थर्टी थ्री परसेंट थर्टी थ्री परसेंट राइज हुआ यहां से यहां तक में केपेक्स ठीक है जबकि सेम पीरियड में ट्वेंटी ट्वेंटी से सेल्स में कितना राइज हुआ मोर देन हंड्रेड परसेंट आर यू सींग द मैजिक जब कैपेसिटी रहती है समझ रहे हो आप जब मार्केट आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करने तैयार है समझ रहे हो जब मार्केट में डिमांड है आपके प्रोडक्ट की उस समय कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देना चाहिए आप कोई भी फार्मा कंपनी उठा के देख लो एनी कंपनी ठीक है एनी फार्मा कंपनी यू विल सी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ केपेक्स ड्यूरिंग एंड बिफोर ट्वेंटी नाइनटीन सी दिस आई शो इट टू यू ये देखो आप कितना हेवी केपेक्स हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी में नाइन ट्वेंटी करोड़ सीधे समझ लो दैट इज समथिंग जहां से आपको ये गेजिंग मिलती है कि अरे मैं यू uh, नो you know, <coughs> कि कंपनी कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है इसका मतलब यह है कि बिजनेस एक्सपैंड होगा फ्यूचर में समझ लो बिना इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ नहीं आती बिजनेस में आपको अगर वीबीएल केपेक्स कमिटमेंट आप ऐसा करके सर्च करोगे ना नॉर्मल तो आपको मिल जाएगा देखो आप ये रिपोर्ट मिली आपके पास वरुण बेवरेजेस की ठीक है और यहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा आप कंट्रोल एक्स करो केप से है कंट्रोल एफ करो नॉर्मल कंट्रोल एफ देखो की ट्रिगर्स फॉर फ्यूचर प्राइस परफॉर्मेंस ठीक है सेटिंग अप टू न्यू प्लांट्स इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश अलॉन्ग विथ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन इन सिक्स अदर प्लांट्स विच वुड इंटेल इट्स कपैसिटी बाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है दिस वुड इंटेल केपेक्स ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड करोर्स पंद्रह सौ करोड़ का कपेक्स लगने तैयार है और ठीक है कंपनी वुड भी अंडरटेकिंग केपेक्स ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड करोर्स इन कैलेंडर ईयर ट्वेंटी थ्री दिस इंक्लूड्स टू ग्रीन फील्ड प्लाट्स राजस्थान एंड मध्य प्रदेश एंड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन इन सिक्स अदर प्लांट्स इन इंडिया ना वट इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन एंड ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन का मतलब ये है राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम उन जगहों पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पर आज तक हमने कभी कोई ऑपरेशन करा ही नहीं मतलब स्टार्टिंग होगी जमीन ढूंढने से लेकर के ज़मीन खरीद के फैक्ट्री बना के फैक्ट्री स्टार्ट करके हाईवे से फैक्ट्री तक रोड बना के सारा काम हमको करना है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन का क्या मतलब है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हमारे प्लांट्स ऑलरेडी चल रहे हैं ठीक है अब मेरे को उसके अंदर और एक्सपेंशन करना है कैसे एक्सपेंशन करना है पीछे जो खाली जमीन है प्लांट के पीछे खाली जमीन है वहां पर मैं और चार मशीन लगा रहा हूं एक फ्लोर और बढ़ा रहा हूं वेयर हाउस का ये सब मेरे कैपिटल एक्सपेंशन हो रहे हैं दिस इज ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन ठीक है ऐसे आप एनालाइज करते हो दैट यू नो वॉट इज वॉट आर द मेजर केपिक्स डन इन लास्ट फाइव इर्स एंड वॉट आर द प्लांड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस उससे गेज होगा कि बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है फ्यूचर में ठीक है सिमिलरली क्वालिटी ऑफ अर्निंग यू विल नीड टू असेस कि सेल्स एंड प्रोफिटेबिलिटी जो आपके टॉप ट्वेंटी कस्टमर्स हैं उनकी क्या सेल्स और क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है सर ऐसा क्यों करा जाता है समझना ऐसा इसलिए करा जाता है कि अगर कोई कंसनट्रेशन रिस्क है तो वो चीज़ पता चल जाए कंसंट्रेशन रिस्क का क्या मतलब है कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब ये है राजा एक सेकंड समझो आप और आपको समझ में आएगा आई की ओ लिंग्स ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिस आईक्यू लाइटिंग्स करके अभी एक यू uh, नो you know, एक कंपनी का आईपीओ आया था इट वॉज अ गुड आईपीओ द लार्जेस्ट एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Ticket is one of the largest LED manufacturing company and ये देखिए आप तो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में क्या होता है ना इंटरनल रिस्क होती हैं जहां वो डिफाइन करते हैं कि वॉट इज द रिस्क रिलेटेड टू योर बिजनेस हमेशा ये पढ़ना चाहिए बिफोर यू पुट मनी इन योर आईपी ठीक है यहां पर आप देखो क्या बोल रही है कंपनी कंपनी बोल रही है वी आर डिपेंडेंट ऑन एंड डिराइव सबस्टैंशियल पोर्शन ऑफ आर रेवेन्यू सिंगल कस्टमर सिग्निफाई इनोवेशन इंडिया लिमिटेड फ्रॉम टॉप ट्वेंटी कस्टमर्स समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा है वो बोल रहे की भाई मेरा मेजर रेवेन्यू जो आ रहा है न, वो सिर्फ एक सिंगल कस्टमर से आ रहा है विच इज सिफाई इनोवेशन इंडिया लिमिटेड जिसका पहले नाम फिलिप्स था और मेरा जो 85 फाइव परसेंट रेवेन्यू है दैट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप ट्वेंटी कस्टमर्स क्या समझ में आ रहा है आपको इसका मतलब यह है कि कोई भी टॉप कस्टमर ने अगर ऑर्डर कैंसिल कर दिया पार्टनरशिप ब्रेक कर दी पेमेंट करने में डिले कर दिया तो क्या उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस में एप्सोल्यूटली ये दैट इज वाई वी नीड वी नीड दिस लिस्ट ये वाली लिस्ट हमें जो चाहिए सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय कस्टमर फॉर द टॉप ट्वेंटी कस्टमर ठीक है फॉर ईच ऑफ द लास्ट फाइव इयर्स मिल जाएगी वो आराम से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मतलब दिस इज नॉट अ बिग टास्क फॉर अ कंपनी देखो आप दूसरा आपको देखना है इसका लाइव एग्जाम्पल ये देखो आप सो देर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज किटेक्स ठीक है किटेक्स गारमेंट्स बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की गारमेंट एक्सपोर्टर कंपनी है एंड uh, uh, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा क्लाइंट बेस है और यूएस का एक बहुत बड़ा किड्स स्टोर है टॉयज़ फॉर अस ठीक है वो इनका एक सोल क्लाइंट होता था ठीक है मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखना कि टेक्स गारमेंट का ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर्टीन का रिपोर्ट है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन वी नीड टू असेस देखो आप किटेक्स गारमेंट ड हंड्रेड परसेंट ऑफ इट्स रेवेन्यू गारमेंट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट मतलब पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट रेवेन्यू बाहर से आ रहा है आउट ऑफ विच 90% परसेंट आर यूएस एंड टेन परसेंट यूरोप ठीक है कंपनी हैज फाइव लार्ज क्लाइंट्स गर्बर टॉयज आरस जॉकी मदर केयर एंड कार्टर्स एंड हैज एडेड टू क्लाइंट विथ चाइल्ड पेस एंड कोहल इन फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेंटी बट ये ट्वेंटी फिफ्टीन का बात है अगर मैं और रिसेंसी पे जाऊं 2017 पे जब ये कांड हुआ था ठीक है तब आप देखो क्या हुआ जो टॉयज आर एस है ना वन ऑफ द वेंडर्स ठीक है टॉयज आर एस जो है ना उसने क्या करा पता है टॉयज आर एस ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी टॉयज आर एस ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी बैंक फाइल कर दी का मतलब ये है कि टॉयज आरस ने बोल दिया कि भाई हमारा जो पैसा आप पे बकाया है अब वो हम नहीं दे पाएंगे हम बैंक्रप्सी में जा रहे हैं हम वो बैंक्रप्सी में कोर्ट डिसाइड करेगी किसको कितना पैसा मिलेगा मेरे को टच मत करना तो ये क्यों हुआ ये सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ द कस्टमर वॉज वेरी हाई टॉयज आरस गॉट बैंक्रप्ट डेफिनेटली गॉट बैंक्रप्ट सेकेंड एक पॉइंट और जो आप देखोगे इन ऑर्डर टू असेस द क्वालिटी ऑफ द अर्निंग की जो आप रेवेन्यू धड़ाधड़ा बुक कर रहे हो उसमें कोई क्वालिटी भी है कि नहीं है वो असेसमेंट होगा डेटर्स की एजिंग का डेटर कौन होते हैं डेटर होते हैं जिनको हमने माल बेच दिया और हमको पैसा लेना बकाया है उनसे ठीक है वो कितने दिन तक बकाया है समझ में आ रहा है आपको वो कितने दिन तक बकाया लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वरुण बेवरेजेस में आता हूँ और मैं सीधे यहाँ डेटर डेज में आता हूँ इधर आप देखते हो डेटर डेज में आते हो तो आप देखोगे कि दिसंबर 2022 में आठ दिन की छूट मिलती है मतलब आठ दिन की उधारी करता है वरुण बेवरेज कि आज माल खरीद तो आठवें दिन मेरे को पैसा चाहिए समझ में आ रहा है आपको वही चीज 2012 में वो में दिन की उधारी पे माल बेचता था कि आज माल लो एक तारीख को और उन्नीस तारीख को पैसा देना या अठारह तारीख को पैसा देना ठीक है ये होता है डेटर डेज ठीक है ये बिजनेस के हिसाब से कम होना चाहिए लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर अपन डीम देखते हैं सोचो जरा डी मार्ट में कितना डेट क्या कभी डी मार्ट आपको उधारी पे माल बेचेगा डू यू थिंक आप डी मार्ट पर जाके बोले यार भैया पांच सौ रुपये कल देके जाता हूँ वो बोलेगा सामान रख जाओ कल आके ले जाना तो डी मार्ट के डेटर डेज क्या जीरो और वन के बीच में होंगे बिल्कुल सही है ये एक दिन क्यों हो रहा है दिस इज द बेसिक गैप जो पैस, जो गैप होता है स्टोर से पैसा घर पहुंचने में बैंक पहुंचने में यार आज का कलेक्शन तो कल ही डिपॉजिट होगा ना आज का कलेक्शन आज कैसे डिपॉजिट हो जाएगा बैंक्स में जो कैश कलेक्शन होता है ठीक है तो उन सबको डेटर मान लेता है डे एंड पे हो सिंपल सा लॉजिक इसलिए वन डे ठीक है सिमिलरली सर लेकिन इसमें डिलीजेंस कैसे होगा ये तो मतलब आप ये कोई असेस करना है बॉस कि यहां पर वन डे अगर है तो दूसरी जो वी मार्ट रिटेल है अगर आप वी मार्ट रिटेल का असेसमेंट कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि दूसरी यहां भी बिल्कुल सही है जीरो डेज है ठीक है कि दूसरी जो फर्म्स है सिमिलर नेचर की उनका डेटर डेज क्या है लाइक फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज हैटसन हैटसन एग्रो मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर है देख रहे हो आप अभी चढ़ा हुआ है चार्ट 840 से 1200 हंड्रेड ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट हाइक इन लास्ट फोर फोर मंथ्स ठीक है आप ये देखो कि नीचे आ जाओ डेटर डेज में जाओ तो आप देखोगे कि डेटर डे ऑलमोस्ट जीरो है

सेवन डेज एटी टू डेज यार दूध की तीन महीने की उधारी कौन सी कंपनी करती है यार क्या आपने आज दूध बेचा है और आप तीन महीने क्योंकि फार्मर को तो आपको तुरंत पैसा देना है उसके तो घर पे चूल्हा नहीं जलेगा अगर उसने आपने उसको दूध का पैसा नहीं दिया तो समझ रहे हो आप दिस इज अजनेस वेर यू हैव टू परचेज परचेज द प्रोडक्ट राइट ऑन कैश इन कैश सो यू कैन नॉट सेल इट फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डेज का डेटर डेज क्रेडिट क्रेडिट पीरियड अब देखो नीचे डेटर उसके जो पेबल्स आ रहे हैं डेज पेबल आ रहे फाइव फोर नाइन थर्टीन फोर थ्री सिक्स नाइन ये किसानों को पैसा देना बकाया मतलब पांच दिन में पैसा देता है विच इज फेयर कि चलो हर हफ्ते के हफ्ते हिसाब करते ठीक है विच इज फेयर ठीक है बट ये क्या हो रहा है ये कैसे हो रहा था पता है ये फर्जी सेल्स बुक हो रही थी फॉल्स सेल्स बुक हो रही थी कंपनीज शेयर्स बट फलैप्स देखो आपको समझ में आएगा मैक्सिमम पे जाता हूँ देखो आप कैसा गया कंपनी का शेयर खत्म मौका नहीं मिलता बॉस समझ रहे हो खत्म हो जाता है शेयर प्राइस मौका नहीं मिलता ढाम आठ रुपए पे आ गया दो रुपए पे आ गया कहा आंखों का तारा हुआ करता था एक सौ पचास एक सौ पचपन रुपए पे लोगों की ठीक है लॉट ऑफ रिसर्च आल्सो गिव अ पॉजिटिव साइन फॉर दीज कंपनीज ठीक है तो इस ऐसे केस स्टडीज के थ्रू अपन समझते हैं ठीक कि है लिस्ट ऑफ़ शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्टिव ओनर परसेंटेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि किसकी ओनरशिप है ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर ही आ जाता हूं ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है मेरे को समझना पड़ेगा कोई भी एक अच्छी कंपनी बताओ आई टी ले लो चलो आईटीसी ले लेते नॉर्मल कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आई नीड टू अंडरस्टैंड कि यार एफ आई आई इसकी कितनी परसेंट होल्डिंग है तो ओके फोर्टी थ्री परसेंट होल्डिंग एफ आई आई इसकी है ठीक है फोर्टी थ्री परसेंट होल्डिंग के अंदर टोबैको मैनुफैक्चर इंडिया लिमिटेड कोई एफ आई आई होगा जिसने ये होल्डिंग करी हुई है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का ही कुछ होगा डी आई एस का कितना होल्डिंग है मतलब जो इंडियन कंपनीज है उनका कितना होल्डिंग है जो इंडियन असेट मैनेजमेंट कंपनीज आप देखो एल आई सी पंद्रह परसेंट होल्ड करता है पूरा आई टी सी का ठीक है यूटीआई टी सेवन परसेंट होल्ड करता है वैसे एस बी आई ऑलमोस्ट वन टू परसेंट होल्ड करता है ठीक है गवर्नमेंट कुछ भी होल्ड नहीं कर रही है और पब्लिक पब्लिक फोर्टीन परसेंट के आसपास होल्ड करती है, पर्टिकुलर स्टॉक में दिस इज बट पब्लिक के अंदर भी पब्लिक के अंदर भी विद इन पब्लिक हाउ मेनी पीपल आर देयर हु होल्ड मोर देन वन परसेंट स्टेक ये आपको मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट में से समझ रहे हो ये आपको मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट में से जहां पर यू विल गेट टू नो कि कौन ऐसे लोग हैं जो वन परसेंट से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं सिमिलरली आप नीचे आओगे तो आप डिटेल्स ऑफ एनी पेंडिंग लिटिगेशन पिछले चार पांच सालों में जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है ठीक है और उसका आउटकम क्या हो सकता है अपने फेवर में जाएगा अगेंस्ट में जाएगा और अगर अगेंस्ट में जाएगा तो कितनी लाइबिलिटी क्रिएट होगी कंटिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं उसको कि फ्यूचर में होने वाली लाइबिलिटी ठीक है जिसका भी पता नहीं है कि होगी भी कि नहीं होगी और होगी तो किस अमाउंट की होगी बट ये पता है कि हो सकती है उसको कंटिजेंट लाइबिलिटी बोला जाता है ठीक है तो ऐसी कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो कितनी पेंडिंग है कोई फलाक कोर्ट केस है कोई एम्प्लॉय यूनियन ने केस करा हुआ है किसी सप्लायर ने केस करा है किसी कस्टमर ने शू करा हुआ है ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए ठीक है आपने पिछले पाँच से सात सालों में कितनी बार रसीद कटवाई है सरकार से हर तरह की रसीद उसकी जानकारी चाहिए रसीद कटवाना मतलब समझ रहे हो क्या होता है आपने पेनल्टी भरी है कोई वायलेट करा है लॉ उसके लिए आपको पीनालाइज करा है कोई प्रोसीडिंग हुई है आपके ऊपर ठीक है कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव जेल वेल हो क्या है वो सब डिटेल अभी दे दो अभी दे दो नहीं तो बाद में कैंसिल हो जाएगी डील ठीक है ये बेसिक असेसमेंट है आपके सारे इनकम टैक्स जीएसटी वैट सर्विस टैक्स फलाना ढिकाना सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग लेबर टैक्स पीपीएफ पी सारे फॉर्म्स रिटर्न हमको चाहिए पिछले पाँच साल के ठीक है वील असेस वेदर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अच्छा और उससे रिलेटेड अगर कोई भी ऑर्डर है कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग है तो तो कवर होगी ऊपर नंबर पॉइंट में कि पेंडिंग लिटिगेशन दे दोगे आप अपार्ट फ्रॉम दैट वन दैट इज बींग डन आई नीड टू असेस द मोट ऑफ द बिजनेस कि बिजनेस में दम कितना है तो जब बिजनेस में दम असेसमेंट करेंगे ना तो सिर्फ अकेले बिजनेस का दम असेस नहीं करेंगे हम दम असेस करेंगे कि बिजनेस में कितना दम है दूसरों के मुकाबले तो वी नीड टू तो असेस हाउ बिजनेस इज़ प्लेसड इन द मार्केट तो उसके लिए अपने को कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करनी है ये कौन देगा बिजनेस ही देगा अरे बिजनेस के पास ज़्यादा क्लोज इन्फॉर्मेशन है कॉम्पिटर्स के बारे में हम तो कंसल्टेंट है हमको क्या पता आज बिस्किट की कंपनी का कर रहे हैं कल स्टील की कंपनी का करेंगे तो कंपनी से हम मांगेंगे कि आपके कॉम्पिटर्स की लिस्ट दो उनको और बताओ कि उनका कितना परसेंट मार्केट शेयर है क्या मार्जिन है सेल्स ग्रोथ क्या हुई है वो कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उनका एरिया ऑफ डोमिनेंस क्या है कोई बिस्किट कंपनी है जो महाराष्ट्र में ज्यादा चलती है राजस्थान में कोई दूसरी चलती है चिप्स की कंपनी ये सब नॉर्मल है इंडिया इतना बड़ा मार्केट है <coughs> ठीक है और आप ये जानना चाहोगे कंपनी से कि आप ये समझाओ मेरे को कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे अलग है मार्केट से यानी अगर आज टैक्स करके एक कंपनी है जो चिप्स बना रही है तो मैं मैं अगर उसको खरीद रहा हूं तो मैं जानना चाहता हूं कि भाई तू लेस से और तू बालाजी से कितना अलग है ठीक है तेरी टारगेट ऑडियंस क्या है क्या तू डायमंड वालों को टारगेट करना चाहता है जो डायमंड चिप्स बेचते हैं या तू लेज वालों को टारगेट करना चाहता है या तू इन दोनों के बीच में बालाजी वालों को टारगेट करना चाहता है या तू सिर्फ सीधे प्रिंगल्स वालों को टारगेट करना चाहता है कि मैं तो सौ रुपए में जो चिप्स खरीदते ना डब्बे में पागल बन के वो उनको बेचूंगा ठीक है इट इज एब्सोल्युटली फाइन देयर इज नो इशू अबाउट इट राइट इज एब्सोल्युटली फाइन बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर वेयर यू वांट टू प्लेस योर प्रोडक्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट

जो हिंदुस्तान सालों साल से लेस की चिप्स खा रहा था ठीक है लेस की चिप्स खा रहा था उसको बालाजी ने इतनी कड़ी टक्कर देके मार्केट शेयर खरीदा है कैसे कैसे मार्केट शेयर एक्वायर करा बालाजी का मोट क्या है टेस्ट तो है ही है टेस्ट इज ओके ओके द मोट इज वेट दे आर गिविंग चिप्स इन समझ लो हवा कम चिप्स ज्यादा इस तरह के कैंपेन्स चलाए और मजाक बनाया लेस का मीम्स बनवा बनवा के ये तो हवाई हवाई ट्वेंटी परसेंट हवा एटी परसेंट हवा ट्वेंटी परसेंट पानी ठीक है लास्ट में आई वॉन्ट जो मैनेजमेंट है बेसिक उसकी क्वालिटी कैसी है सी लेवल एग्जीक्यूटिओ सी एफ ओ सी आई ओ सी टी ओ जो भी डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी के ओनर्स हैं कोई की पर्सन है अगर ठीक है उनकी क्या एज है उनका क्या बिजनेस एक्सपीरियंस है क्या एजुकेशन है वो कितने टाइम से कंपनी में है है तो यू नो फुल टाइम है पार्ट टाइम है कंसल्टेंट पोजीशन पर है या रियल डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व है उनकी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप कितनी है दूसरी किन कंपनीज़ में उनकी डायरेक्टरशिप है ये सब चीज़ें देख के मैसेज करता हूँ आप देखे होगा मैनेजमेंट असेसमेंट मैंने बोला मैनेजमेंट असेसमेंट के लिए वी टेक ऑलमोस्ट टू सेशंस क्लोज टू सिक्स आवर्स इन द इक्विटी रिसर्च इक्विटी रिसर्च को ठीक है तो गाइज इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यहां पर ये खत्म होता है तो ये एक बेसिक आपकी प्राइमरी ड्यू ड्यूडेलिजेंस है जो आप फॉलो कर सकते हो मैं ये चेकलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है बट अगर आपको चाहिए कि मेरे को तो सर इन डेप्थ सीखना है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है किसी कंपनी का ये तो आपने बहुत स्पीड में बता दिया सत्ताईस मिनट हुए अभी पच्चीस बाईस बीस बाईस मिनट हुए हैं बाईस पच्चीस मिनट दैट्स ओके ठीक है बट मेरे को डेप्थ में सीखना है आप समझो ना मैं तीस घंटे का ज्ञान आपको ढाई घंटे में पच्चीस मिनट में कैसे दूँ मैंने दिया मेरा बेस्ट कर आपने ठीक है बट स्टिल इफ यू फील कि यार मेरे को फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है कि किसी भी बिजनेस को कैसे एनालाइज किया जाता है बैलेंस शीट को पढ़ना नहीं मेरे को समझना सीखना है कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैश फ्लोज को कैसे समझा जाता है ठीक है तो उस लिए आप अपना इक्विटी रिसर्च कोहट ज्वाइन करो सेप्टेंबर में स्टार्ट होगा बट अभी हम लोगों ने आप चाहो अभी तो एक बेसिक टोकन पेमेंट करके ठीक है एक बेसिक छोटा अमाउंट अभी पे करके यू कैन बुक योर सीट एंड यू हैव टू पे द रिमेनिंग अमाउंट वंस द कोहट स्टार्ट ठीक है द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गो हेड एंड बुक योर सीट्स विल बी हैविंग लिमिटेड सीट्स एंड इट विल बी द लास्ट गो फॉर दिस ईयर सेप्टेबर से स्टार्ट हो रहा है मोस्टली मिट सेप्टेबर्स ठीक है तो जाइए और उसको रजिस्टर कीजिए इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दैट्स एब्सिलुटली फाइन इफ़ यू फील किए मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ नॉलेजेबल हूँ दैट्स एब्सिलुटली फाइन ठीक है सो आई होप आपको काम पसंद आ रहा होगा अगर मज़ा आया है आपको और आपको चाहिए कि ऐसे और मैं रियल कंपनीज से लिंक करते हुए आपसे बात करूँ क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ दिस इज माई वे ऑफ टीचिंग बोथ इन माई इक्विटी रिसर्च एज वेल एज माई एडवांस्ड वैल्यूएशन को हुट ठीक है आई लिंक द फिज द थ्योरी विथ द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स तो मुझे कमेंट में बताओ ठीक है लाइक करो वीडियो को प्लीज़ इसको टारगेट रखते हैं मिनिमम फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड एटी लाइक्स का मेरे को भी डाउट हो रहा है आप लोगों पर ठीक है कमेंट्स में तारीफें दो मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुनना एंड आई विल सी यू सून दिस इज पार्थ और मा सािंग ऑफ